नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि वीरे दी वेडिंग मेरे लिए तो बहुत हर तरीके से नई नया अवसर है. मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं किया है, मैंने कभी अमीर किरदार नहीं किया, सबसे पहली बात तो कभी इतना ऑब्वियसली ग्लैमरस वेस्टर्नाइज्ड कैरेक्टर नहीं किया है. पिछली अर्बन कैरेक्टर जो मैंने प्ले की थी वो थी लिसन अमाया में फारूक सर और दीप्ति नवल मैम के साथ, जो बहुत रियल, बहुत ही एक मतलब नॉर्मल रियल स्टाइलिंग को अगर देखें, एस्थेटिक्स को देखें तो बहुत सिंपल था वो. वीरे जैसा बिल्कुल ही वो एकदम वाइब नहीं था. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड ऑल्सो आई थिंक एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म में एक लीड रोल करीना कपूर सोनम कपूर के साथ की इक्वल का रोल मेरे लिए इट्स बिग, बिकॉज मैं कमर्शियल स्पेस में मैंने हमेशा सपोर्टिंग मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए हैं. सो इट्स अ बिग फिल्म फॉर मी, आई एम वेरी एक्साइटेड. या आई एम इन फैक्ट. मेरे यू नो गाइज, द ट्रूथ इज़ मेरे काफ़ी मतलब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे सारे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो या तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं और एक दो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं. सो मैंने मुझे लगता है कि मैंने 22-23 साल के बाद दोस्ती करनी छोड़ दी. ये गाली देती हुई. और आई थिंक ये आप हर किरदार में अपना कुछ छोड़ जाते हो और उस किरदार का कुछ ले लेते हो. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बींग एन आर्टिस्ट. तो डेफिनेटली बहुत सारा कुछ मेरा साक्षी में है और शायद मैंने साक्षी से कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन साक्षी थोड़ी, साक्षी जैसा बनने के लिए साक्षी के जितने पैसे चाहिए उतने नहीं है मेरे पास, मेरे पापा के पास भी नहीं है. आई लव वर्किंग विद चिल्ड्रन. मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ मैं कुछ ऐसा कर रही होती जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते. सो आई थिंक अ टीचर वुड बी गुड. पर वो तो ट्रोल नहीं था, मुझे तो बहुत फनी लगा वो मीम. मुझे लगता है जब आप इंटरनेट के मीम बन जाते हैं, मतलब कि फिर बस आप बिल्कुल यू अराइव्ड, आप मतलब पब्लिक की कल्पना में आ गए हैं. सो मुझे वो निर्मा वाला मीम तो बहुत ही फनी लगा. इनफैक्ट जब मैंने वो मीम देखा, बिकॉज जिन्होंने बनाया था उन्होंने मुझे टैग किया था, आई वॉज द फर्स्ट पीपल टू कॉमेंट एंड से एब्सोल्युटली हिलेरियस. नहीं, वो कहानी ऐसी, आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे. आप बहुत ही, नहीं इट्स अ फ्रेश स्टोरी. ऐसी कहानी मेन स्ट्रीम कमर्शल बॉलीवुड में हमने देखी नहीं है पहले. एंड मुझे लगता है कि एक्चुअली मेरे को जब रिया ने फिल्म ऑफर करी थी तो मीरा का किरदार ऑफर किया था जो शिखा प्ले कर रही है, लेकिन चूंकि मैंने तनु एज मनु रिटर्न्स जस्ट ख़त्म करी थी और एक बच्चा लेके मैं उस फिल्म में भी घूम रही थी, तो मैंने कहा अभी एक और बच्चा मैं नहीं उठा सकती, लाइक मुझे चाहिए ब्रेक बच्चों से. तो आई बट एंड साक्षीज कैरेक्टर मेरे लिए कुछ नया था, मैंने ऐसा किरदार नहीं किया है पहले, तो मुझे लगा कि एंड मुझे थोड़ा डर भी लगा. मुझे लगा यार मैं साक्षी जैसे ग्लैमरस एकदम, इन चारों में से एक्चुअली सबसे ग्लैमरस साक्षी है. तो मुझे लगा भाई जहाँ करीना कपूर है जिस फिल्म में और सोनम कपूर जिस फिल्म में, उसमें उनसे ज़्यादा ग्लैमरस लाइक कैसे पॉसिबल है, क्या मैं कर पाऊँगी. तो वो मेरे लिए चैलेंज था. वो चैलेंज एक्चुअली रिया कपूर ने पूरा किया है.